चैनल मैजिक साइंस। आई होप फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर स्टडीड क्लासिक साइंस चैप्टर एयर अराउंड अस। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है विंड। It is called wind। इसका मतलब है when air is in motion is called मतलब जब जो air होती है वो जब motion में होती है उसे हम बोलते हैं, मतलब जब हवा चलती है उसे हम बोलते हैं wind। Next है हमारा air। Air is a mixture of different gases। मतलब जो air है वो कई सारे gases से मिलकर बनती है। देखो air is a mixture of different gases। air बहुत सारी gases से मिलकर बनती है। अब हम पढ़ेंगे properties of air। It is colorless, that is has no color and taste। इसका मतलब है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज, मतलब एयर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हम देखते हैं एयर चलती है ना, उसमें कोई टेस्ट होता है ना उसमें कोई कलर होता है, तो ये वही है। It is colorless, that is it has no color and taste। इसमें ना कोई कलर होता है और ना ही कोई टेस्ट होता है। सेकेंड है इट इज ट्रांसपेरेंट। अगर इसमें कोई कलर नहीं होगा तो ये ट्रांसपेरेंट ही होगी। वी कैन सी होती है। और ट्रांसपेरेंट चीज के सामने देखो जैसे कोई भी चीज है, ये मान लो ये मेरा हाथ ट्रांसपेरेंट है और जो ट्रांसपेरेंट चीज होती है हम उससे आर पार देख सकते हैं। वी कैन सी थ्रू इट, हम उसके आर पार देख सकते हैं। जो चीज ट्रांसपेरेंट होती है सिर्फ उसके ही हम आर पार देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्लीन करना होगा। विंड समझ आ गया क्या होता है, जो हवा चलती है मोशन में उसे बोलते हैं विंड। और एयर होती है डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर से बनती है एयर। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया जो चीज मतलब वो ट्रांसपेरेंट होती है हम उसके आर पार देख सकते हैं। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस इट फिल all the space in a container। इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब उसमें स्पेस होता है और उसे हम एक कंटेनर में बांध कर, मतलब उसको हम एक कंटेनर में रख भी सकते हैं। ओके नेक्स्ट है अभी हमारा वही टॉपिक चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं था। एयर एक्सर्ट
होती है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है हर डायरेक्शन की तरफ। जैसे मान लो ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है, और भी है लेकिन अब हम अपना कर नहीं सकते हैं। वो अपना एयर जो होती है वो हर तरफ अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है, एयर अपना हर तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है ताकि हर तरफ उसकी हवा जाए, एयर मतलब। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे है जो लिविंग बींग्स होते हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप मैं हम सब, हम लोगों को एयर की बहुत रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे, एयर में तो ऑक्सीजन होती है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे एक स्लाइड के थ्रू, तो हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, देयर सर्वाइवल। देखो जीने के लिए बिकॉज इट कॉन्टेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस। मैंने बोला एयर में ऑक्सीजन होता है और ये ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन गैस। और इसमें कई और भी गैसेस होती हैं, जैसे अभी हम वो पूरा पाई चार्ट पढ़ेंगे जो जो इसमें होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं और ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। एस प्लांट एस पार्ट ऑफ इट्स मिक्सचर, मतलब ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी अभी, जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिक्सर होती है एयर का। अभी और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो हम अगली मतलब और भी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी जो हमें पढ़ना है वो है, देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एयर, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एयर चाहिए क्योंकि उन्हें जिंदा रहना है, फॉर देयर सर्वाइवल उन्हें जिंदा रहने के लिए एयर चाहिए। बिकॉज इट कॉन्टेन, उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है एज अ पार्ट ऑफ मिक्सचर, और ये सब उसका एयर का पार्ट होता है मिक्सर। उस वो पाई चार्ट में हम अभी पूरा पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्मोक क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा स्मोक, स्मोक क्या होता है। दीज आर द पार्ट कलर गैसेस कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ एनीथिंग। फ्रेंड्स इसका मतलब है जो स्मोक होता है, स्मोक सिंपल सी चीज है, अगर हम कोई चीज को जलाएंगे उसमें से जो धुआं निकलता है, मतलब जो गंदी चीज को अगर कोई हम किसी चीज को जला देते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है उसे बोलते हैं स्मोक। इसमें भी वही है, दीज आर द पार्ट कलर्ड, मतलब वो और गैसेस कॉज बाय बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें से वो मतलब उसमें से जो धुआं निकलता है उसको बोलते हैं हम वेदर कॉक, उसको बोलते हैं हम स्मोक। नेक्स्ट है हमारा वेदर कॉक, इट शोज द डायरेक्शंस इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट। फ्रेंड्स इसका मतलब होता है जो वेदर वॉक होता है ये एक इक्विपमेंट इक्विपमेंट होता है, जैसे ये पता इससे पता चल जाता है कि हवा कहाँ को किस डायरेक्शन में वो
चल रही है. इट शोज द डायरेक्शन इन द विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस. सो फ्रेंड्स, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज अ वेदर कॉक. अब हम पढ़ेंगे कि पूरा टॉपिक है हमारा, तो हम पूरा भी कर लेते हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफ एयर हमारे टॉपिक है. सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, ये हमारा एक टॉपिक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. मतलब एयर में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट देखते हैं क्या है. एयर इज नॉट वन सब्सटेंस बट इज अ मिक्सचर. मतलब जो एयर है वो अपने आप से मिलके नहीं बनती है, मतलब वो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस. वो कई सारी चीजों से मिलकर बनती है. इसका एक मिक्सचर होता है, ये कई सारी चीजों से मिलकर हमारी एयर जो है वो बनती है. नेक्स्ट है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सम गैसेस, वाटर वेपर, पार्टिकल्स. ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल्स के लिए है, मतलब उसमें क्या क्या होता है, जैसे वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सम गैसेस. एयर जो है वो कई गैसेस का मिक्सचर होता है, और ये इसमें होते हैं वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स. इसमें और भी गैसेस हैं. Gases in the air are mainly nitrogen, oxygen, a small amount of carbon dioxide. इसका मतलब है, द गैसेस ऑफ द एयर, जो एयर की गैसेस होती है, आर मेनली, उसमें ज्यादातर नाइट्रोजन, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, एंड स्मॉल अमाउंट, सबसे कम जो होते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस. और भी कई गैसेस होती है जिसमें स्मॉल अमाउंट में होती है. फ्रेंड्स, इस पाई चार्ट के हिसाब से इतनी परसेंटेज ऑफ गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. जैसे नाइट्रोजन होती है 78.11%, ऑक्सीजन होती है 20.95%, अदर गैसेस होती है 0.94%, और अदर गैसेस में बहुत सी गैसेस आती हैं. सो अब हमारा नेक्स्ट है, डिस्कस करेंगे जो सारी गैसेस हमने अभी देखी पाई चार्ट में. अब हम एक एक करके हम अब सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाटर वेपर. एयर कॉन्टेन वाटर वेपर. When air comes in a contact with cool surface, it gets cooled and fog appears.
वाटर वेपर इन द एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वॉटर साइकिल इन नेचर। इसका मतलब है वॉटर वेपर, ये भी एक कंपोजिशन ऑफ एयर में आता है। एयर कॉन्टेन वॉटर वेपर, जो एयर होती है वो कॉन्टेन करती है वॉटर वेपर। वेन एयर कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द कूल सरफेस, जब एयर आ जाती है कॉन्टेक्ट के कूल सरफेस में, इट गेट कूल, वो फिर कूल हो जाती है, उसके बाद वो फॉग बन जाती है, धुंध बन जाती है। द पीसेस ऑफ वॉटर वेपर इन द एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वॉटर साइकिल, जो एयर होती है इम्पॉर्टेंट होती है वॉटर साइकिल के लिए इन नेचर में, जो नेचर में हमारी वॉटर साइकिल होती है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है हमारी वॉटर वेपर। नेक्स्ट है हमारी, जो हमने देखा अदर गैसेस में आता है हमारा एक डस्ट पार्टिकल, तब हम उस डस्ट पार्टिकल को समझेंगे। डस्ट पार्टिकल करती है डस्ट पार्टिकल। एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और कुछ भी अदर गैसेस होते हैं, और अदर गैसेस में ये डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ये ध्यान रखना। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एयर वैरायटीज फ्रॉम प्लेस टू, मतलब ये प्लेस टू प्लेस होती रहती है और टाइम टू टाइम ये वो होती रहती है, ठीक है। अब है हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी बहुत जरूरी होता है और ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी होता है। इसमें एटमोस्फेयर में आप वो पाई चार्ट को देखोगे तो समझ जाओगे अच्छे से। द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट burning is called oxygen is necessary of all living organism। हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन जो होता है वो ऑल लिविंग, मतलब आपके लिए हमारे लिए सबके लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत जरूरी होता है। इट इज इन रेस्पिरेशन, सो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है ऑक्सीजन द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट बर्निंग इज कॉल्ड ऑक्सीजन। जो एयर जो मतलब एयर में ऑक्सीजन का एयर में ऑक्सीजन पार्ट होती है, ठीक है, एयर कंटेन करता है ऑक्सीजन को, दैट सपोर्ट, जो ऑक्सीजन है वो सपोर्ट करता है बर्निंग को। आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिविंग
ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। इट इज रेस्पिरेशन, इन द रेस्पिरेशन मतलब हम सांस लेते हैं, सांस लिया, सांस ली, सांस छोड़ी, इसको बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, सांस लेना और छोड़ना, ब्रीथिंग एंड ब्रीथ आउट। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। दो मेजर पार्ट ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन। Around 78.11% the air fill. Nitrogen does not. देखो आ गया वाई लाइन। नाइट्रोजन जो है वो सपोर्ट नहीं करती है बर्निंग को, और जो ऑक्सीजन था वो सपोर्ट करता है बर्निंग को। इसका मतलब है नाइट्रोजन द मेजर पार्ट ऑफ द एयर मतलब एटमोसफेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होता है, सेकेंड नंबर पे एयर होते हैं और फिर अदर गैसेस। इस नाइट्रोजन इट टेक्स अ 4/5 मतलब ये जो वो पूरा पाई चार्ट होता है ना उसमें से ये 4/5 पार्ट नाइट्रोजन का होता है, और ये होता है जो स्पेस होता है उसमें 78 जब हमने पढ़ा ना अभी 4/5 पार्ट वो कितना लेते हैं देखो 71.11% देन एयर फिल, एयर में से नाइट्रोजन इतना फिल करता है। ठीक है नेक्स्ट है ये तो हमने समझ ही लिया था ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो नाइट्रोजन है वो सपोर्ट नहीं करता बर्निंग का, और ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड makes up a small amount ना 0.03% एयर एटमोसफेयर में होता है सिर्फ कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमोसफेयर में 0.03% ऑफ एयर अराउंड बस। इट कॉजेस अ फीलिंग ऑफ प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड ट्यूलिप तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है ये प्रोसेस होता है एक प्लांट जिससे अपना खाना बनाते हैं, तो इसको पूरा समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो एयर में मतलब जो हमने भी पाई चार्ट देखा था उसमें जो अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो होता है 0.03% ठीक है जो एयर में होता है ऑक्सीजन में। ठीक
कार्पस में, एटमोस्फेयर में, इट कॉजेज फीलिंग ऑफ सफोकेशन, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड टू लीव, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोसेस को पूरा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा होने के लिए, और प्लांट इससे जिंदा भी रहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा की क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। जब हमने अभी ये सब देखा कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, तो हमें ये देखना है एटमॉस्फेयर होता क्या है। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इसके भी और भी पॉइंट, इसके भी दो पॉइंट्स और हैं। तो देखो, अवर अर्थ इज सराउंडेड, जो हमारा अर्थ है पूरा, उसके आर पार जो जो एयर, वो जो होती है ना एटमॉस्फेयर जिसको हम पढ़ लेते हैं, वो उसके आर पार सराउंडेड घूमती रहती है, उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। और ये फ्रेंड्स ये बहुत थिन लेयर होती है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, उसी पतली लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जो हमारे अर्थ के आर पार घूमती रहती है। एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंड अप टू सेवरल किलोमीटर्स मतलब ये जो एटमॉस्फेयर की जो ये लेयर होती है ये बहुत बढ़ती रहती है और कई सैकड़ों किलोमीटर और कई ज्यादा किलोमीटर्स तक भी ये जाती है। ये पहले तो हमने पढ़ा थिन लेयर होती है, लेकिन ये सैकड़ों किलोमीटर्स तक जाती है, और इसमें कई लेयर जैसे होती है जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। और फ्रेंड्स ये अभी आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। एयर बिकम थिनर एज वी गो हाई अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वो आगे है, जब हम अर्थ के सरफेस पे बढ़ते जाते हैं ऊपर, तो वो पतली होती जाती है। देखो, एयर बिकम थिनर एज वी गो अप हाई फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते रहते हैं तो वो लेयर जो होती है वो पतली होती जाती है। अब हम आगे देखेंगे, हमने समझ लिया एटमॉस्फेयर क्या होता है, अब हम आगे देखेंगे यूजेस ऑफ एयर, एयर के यूजेस क्या होते हैं। देयर आर सेवरल यूजेस ऑफ एयर,
मतलब जो एयर होती है उसके बहुत सारे यूसेस होते हैं, सेल में होता है बहुत ज्यादा यूज्ड इन फन लाइक फिरकी पेंगल इज बेस्ड ऑन द फोर्स अप्लाइड बाय द एयर। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो ये फर्स्ट फोटो देख रहे हैं, दिस इज फिरकी एंड सेकेंड इज पिनव्हील। फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं इसका मतलब है यूज्ड इन फन लाइक अ फिरकी पिनव्हील इज यूज्ड ऑन द फोर्स ऑफ अप्लाइड बाय द एयर। मतलब इसको हम मजे के लिए, मतलब खेलने के लिए यूज करते हैं, जैसे फिरकी होती है चरखी जैसी, उसको हम यूज करते हैं खेलने के लिए बेस्ड ऑन द फोर्स। और ये जब घूमती है ये एयर के फोर्स की वजह से घूमती है, क्योंकि एयर जब बहुत तेज चलती है तभी तो ये घूमती है गोल गोल। नेक्स्ट पॉइंट है द एयर करेंट मेक द विंडमिल टू रोटेट। सो फ्रेंड्स, ये है जो एयर के करंट से बनती है विंडमिल टू रोटेट घूमने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये फोटो है विंडमिल की। अब हम आगे देखते हैं क्या है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट yachts, sliders, parachutes and aircrafts. इसका मतलब है एयर इज हेल्प इन द मूवमेंट, मतलब इनको चलाने के लिए बोट जो होती है वो हवा के उससे ही चलती है, ठीक है। और जो स्लाइडर्स, ठीक है, स्लाइडर्स, पैराशूट्स, ठीक है, एंड एयरक्राफ्ट्स, ये सारे हवा की मदद से चलते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब है एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, मतलब जो हवा के द्वारा सीड्स जो आगे आगे जाती है ना, जैसे एनिमल्स के द्वारा भी जाती है और कई बर्ड्स वगैरह के भी द्वारा जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्रेस्ड एयर is used in types of ठीक है, compressed air is used to type of vehicles doing this possible only become of the air, ठीक है। अभी हमने ये भी नहीं समझा था, इसको भी समझ लेते हैं। कॉम्प्रेस्ड एयर इज यूज टू टाइप ऑफ इज यूज इन टाइप ऑफ व्हीकल्स, मतलब हमने सबसे पहले ही पढ़ा था जो हम एयर होते हैं उसको कंटेनर में फिल कर रहे थे, लेकिन यहाँ व्हीकल में फिल कर रहे हैं।
और उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत ही प्रेशर होता है उसको। यहाँ इसका इसका मतलब वही है, विनोइंग इज पॉसिबल ओनली बिकम द एयर। मतलब जो विनोइंग प्रोसेस होता है ना, हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में सारे ये सब, इसमें ज्यादातर मिलता जुलता चैप्टर में से ही है। ठीक है, विनोइंग जो प्रोसेस है वो तभी काम कर पाता है जब एयर हवा चलती है। ठीक है, वो कभी तभी काम कर पाता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स दिस इज अ प्रोसेस ऑफ विनोइंग, और इसमें इस प्रोसेस को करने के लिए एयर बहुत कंपलसरी होती है, नहीं तो ये प्रोसेस वो नहीं हो पाता है, प्रोसेस नहीं हो पाता। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा एयर अराउंड अस चैप्टर 6 का साइंस का चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, पार्ट 1 कंप्लीट होता है इसका हमारा। ओके फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।